Good morning to all of you, class. Good morning, ma'am. 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 अभी हम देखेंगे असाइनमेंट 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द स्क्वायर रूट टेबल। स्क्वायर रूट टेबल को यूज करके हम अभी स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका 9.36 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। आपको लॉन्ग डिविजन मेथड आता है, आप लॉन्ग डिविजन मेथड से भी आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, स्क्वायर रूट टेबल देख के आपको निकालना है, तो उस केसेस में आप क्या करोगे, 19.36 ऐसे कुछ नंबर है क्या टेबल में, बताओ, बुक देख के आप बताओ कि 19.36 ऐसे कुछ नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है, आप देख के बता दो, फटाफट बुक देखो और मुझे बताओ। नो मैम, नहीं है। नहीं है, ओके। 65 पेज में आपका स्क्वायर टेबल है, 65 पेज में आपका स्क्वायर टेबल है, उसको देखो, तो नहीं है। क्या है वहां पे, ना 19 है, 19 का कितना दे रखा है, 4.359, ओके। 20 का है कितना, ना 4.472, ठीक है। बट 19.36 ऐसे कुछ डिजिट है क्या? नो मैम, नहीं, ठीक। बट उसका अभी हम कैसे निकालेंगे, ये स्क्वायर रूट टेबल को यूज करके, स्क्वायर रूट टेबल को यूज करके हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, 19.36, ठीक। तो ये 19.36 जो है वो किसके बीच में आ रहा है बताओ, ये नंबर किसके बीच में, 19 एंड 20, ठीक है। तो ये बताओ, टेबल में आपको पता है 19 का रूट ओवर क्या है, 20 का रूट ओवर क्या है, तो इसका मतलब क्या है ना, इसके बीच में ही ये इसका रूट ओवर है, ठीक है। 19 और 20 के बीच में जब 19.36 है, तो अभी इसका भी स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे, क्यों ना देखो, 4.359 और 4.472 के बीच में ही एक नंबर आएगा जो 9.36 का स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक है। उसको हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे ना, 19.36 किसके बीच में आ रहा है, 19 और 20 के बीच में, ऐसे आप लिखोगे 19.36 19 से बड़ा है, 20 से छोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, अब ले लूंगा, कीप क्वाइट, 19 का रूट ओवर कितना है, 4.359, आप टेबल देख के लिख लोगे, ठीक है। और 20 का रूट ओवर 4.472 है, ठीक है, 4.472 है। इन दोनों के बीच में से डिफरेंस कितना है बताओ, जैसे आपको पूछा जाएगा कि रूट 20 माइनस रूट 19, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, माइनस करो 4.472 माइनस 4.359, डिफरेंस निकालो कितना होगा, 0.113, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना, नहीं बताओ कि 19.36 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछा है, जो स्क्वायर रूट टेबल में नहीं दे रखा है उसका वैल्यू, स्क्वायर रूट टेबल में आपको 19 का वैल्यू मिल जाएगा, 20 का मिल जाएगा, तो ये 19.36 19 और 20 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अच्छे से समझो, जिसको नहीं समझना है प्लीज क्लास रिमूव कर सकते हो, ठीक है, डिस्टर्ब मत किया। 19 का रूट ओवर आप लिख लिया, कैसे लिखा, टेबल देखिए, 20 का रूट ओवर आप लिख लिया, टेबल देखिए। अभी बताओ रूट 20 और रूट 19 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.113 आ रहा है, ठीक है। तो अभी बताओ 20 और 19 के बीच में नंबर कितना डिफरेंस है, 1 है, नंबर कितना है डिफरेंस, 1 डिफरेंस है, तो 1 डिफरेंस में से वैल्यू कितना आ रहा है, 0.113, ठीक है।
वन डिफरेंस में वैल्यू कितना आ रहा है ना, 0.113 रूट ओवर वैल्यू आ रहा है इतना, ठीक है। 19 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। एक डिफरेंस में रूट ओवर का वैल्यू कितना है ना, 0.113। अभी बताओ 19.36 है, 19.36 है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 19 प्लस 0.36। 19 का तो रूट ओवर आपको पता है, बट आपको किसका रूट ओवर पता नहीं है, 0.36 का रूट ओवर पता नहीं है। ध्यान से समझो बात को, 19 का रूट ओवर पता है, टेबल्स देख के बता दो, बट 0.36 तो आपको क्या कर रहा है, दिक्कत दे रहा है ना, उसका तो कहीं नहीं लिखा है 0.36 का रूट ओवर कितना है। तो आपको अभी ये 0.36 का रूट ओवर निकालोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे ना, जब एक डिफरेंस में रूट ओवर का वैल्यू आ रहा है 0.113, तो 0.3 डिफरेंस में कितना आएगा वैल्यू, मल्टीप्लाई करोगे एक को देके, ठीक है। जब किसी चीज का वैल्यू निकालने के लिए पूछता है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.36 का वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा, 0. मैं मल्टीप्लाई करके रखी हूँ तो भी लिख देती हूँ, आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना, 0.04068, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का आंसर है। तो 19 का रूट ओवर आपको पता है, अभी 0.36 का रूट ओवर आपको पता चल गया, तो अभी 19.36 का रूट ओवर कैसे पता चलेगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देना है, 19.36 का रूट ओवर क्या हो जाएगा ना, 19 का रूट ओवर कितना है ना, 4.359 प्लस 0.040, तीन डिजिट तक लो, उसका ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4.399 यानी 4.40 या 4.4। मैम आप ये कहाँ लिखे दिखा दो, मैं दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा है, नो मैम शो नहीं हो रहा, कोई नहीं रहा स्क्रीन, नो मैम, ये जो इतने सारे लिखा आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है, रुको फिर से दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, मैम दोबारा बता दीजिए, क्वेश्चंस क्या था, 19.36 का रूट ओवर निकालना है, वो भी फिर कैसे ना, रूट ओवर टेबल देख के बताओगे, ठीक है, जो आपके बुक में है पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 में एक स्क्वायर रूट टेबल है, उसको देख के आप बताओगे 19.36 का रूट ओवर, ठीक है। ये 65 मैंने जो लिख रखी हुई, ये दिख रहा है आपको 65? यस मैम, तो मैं उस साइड में ही लिखा था, कैसे नहीं लिखा, ठीक है। तो 19.36 का रूट ओवर अभी, और दोबारा मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ठीक है, आप अच्छे से समझ लो ये चीज को, 19.36 का रूट ओवर आपको निकालना है, शो नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, यस मैम, मैम ब्लैक ब्लैक आ रहा है, ब्लैक ब्लैक, ये देखो अभी स्क्रीन शो हो रहा है ना, यस यस, ओके, 19.36 का रूट ओवर मैंने इधर लिखा, दिख रहा है या नहीं निकालना है, कैसे ना, स्क्वायर रूट टेबल देख के निकालना है, ठीक है। तो आपका स्क्वायर रूट टेबल कौन सी पेज में है, 65 पेज में है, 65 आपको दिख रहा है जो मैंने लिख रखी है यहाँ पे, पेज नंबर 65, यस मैम, ओके। तो 65 पेज में आपको स्क्वायर रूट टेबल है, उसको देख के आपको बताना है। तो देखो स्क्वायर रूट टेबल में आपको 19.36 ऐसे कुछ नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, वहां पे 19 का स्क्वायर रूट मिल जाएगी, कितना है आपका 19 का स्क्वायर रूट, 4.359, टेबल देख के आप बता सकते हैं। फिर 20 का मिल जाएगी, ठीक है, 20 का स्क्वायर रूट कितना है, 4.4
472 बट 19.36 ऐसे कुछ नंबर नहीं है वो टेबल में, तो आपको तो पता है ना 19.36 ये 19 और 20 के बीच में ही आएगा, तो इसके अंदर ही उसका वैल्यू छुपा हुआ है। ठीक है, हम अभी उसको निकालेंगे। ये देखो अभी आप कैसे लिखोगे, जब आपको पता है कि 19.36 19 से बड़ा है और 20 से छोटा है, यानी 19 और 20 के बीच में आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे ये लाइन को लिख दोगे, इससे क्या करोगे ना 19 का रूट ओवर आपको पता है, टेबल देख के आप लिखोगे 4.359, फिर से 20 का रूट ओवर आप लिख लोगे 4.472, इतना आपने लिख लिया। तो बताओ 19 और 20 के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 डिफरेंस है। ठीक है, 19 और 20 के बीच में 1 डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना है। और 19 का रूट ओवर और 20 का रूट ओवर, ये दोनों का रूट ओवर में डिफरेंस कितना है, उसको अभी आप माइनस 0.113 ओके, उसको अभी आप माइनस करके निकाल लोगे 4.472 माइनस 4.359, माइनस करके निकाल दो कितना आ जाएगा 0.113। तो डिफरेंस कितना आया 0.113, अच्छे से समझ लो। ठीक है, 19 का रूट ओवर और 20 का रूट ओवर के बीच में डिफरेंस कितना है ना 0.113। ये जो डिफरेंस है तो कितने नंबर में डिफरेंस है ना, एक नंबर में डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, 19 और 20 के बीच में से डिफरेंस क्या है, 20 माइनस 19 1 है ना, तो ये 1 डिफरेंस में वैल्यू कितना आ रहा है ना 0.113 आ रहा है, बट हमें कितना चाहिए ना 0.36 का वैल्यू चाहिए। 19 का हमें पता है बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है ना, 0.36 का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो 0.36 का वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ना, जब 1 का वैल्यू दे रखा है इसका वैल्यू हम निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.113 मल्टीप्लाई 0.36, मल्टीप्लाई करने में से कितना आ रहा है आपका ना 0.04068। ठीक है, यह अभी हम क्या करेंगे, निकालना था हमें 19.36 का रूट ओवर, तो 19.36 का रूट ओवर क्या है ना 19 का रूट ओवर प्लस 0.36 का रूट ओवर, तो 19 का रूट ओवर आपको पता है 4.359 प्लस 0.36 का रूट ओवर कितना है ना 0.04068 भी आप ले सकते हो, बट जब यहाँ पे आपका पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तभी आप 3 डिजिट तक लो। ठीक है, एड कर दो अभी कितना हो जाएगा ना 4.399, यानी 4. राउंड ऑफ कर दो अभी 40 हो गया, तो 4.4 भी लिख सकते हो उसको। समझ में आ गया या नहीं मैम? ऐसे तो मैम आ रहा है, धीरे धीरे पूरा करके। बाकी बच्चे बताओ। यस मैम। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कहते हैं ना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और इसमें से हर साल हर बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, अच्छे से ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये 19.36 दे दिया, और भी कुछ दे सकता है तो देखते हैं। और एक नंबर आपको मैं अभी बताती हूँ, जैसे है आपका क्या 30.25, इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे वो भी टेबल देखेंगे। तो 30.25 मतलब क्या, टेबल में आपको 30 का तो रूट ओवर मिल जाएगी, 31 का मिल जाएगी, बट 0.25 जो है ये तो आपको परेशानी देता है, ये तो नहीं है ना टेबल में, तो ये किसके बीच में आएगा, 30 और 31 के बीच में ही तो आएगा। ये सर नो? यस मैम। आप क्या करोगे ना, टेबल देख के आपको बताना पड़ेगा कि रूट 30 का वैल्यू क्या है। बताओ अभी हम इसका भी वैल्यू अभी 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 हम निकाल रहे हैं, रूट 30 का वैल्यू क्या है बताओ टेबल देख के। 5.477 ऐसे नहीं पढ़ते हैं, 5.477 पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद नंबर का नाम नहीं लेते। 31 का बताओ मैम 5.568। तो बताओ 30 का रूट ओवर आपको पता चल गया, 31 का पता चल गया, रूट स्क्वायर रूट टेबल देखिए हमने बता दिया, पर 30.25 का स्क्वायर रूट
कैसे निकालेंगे? इसके बीच में तो छुपा हुआ है सेवन लीव, उसको अभी हम निकालेंगे। तो आप लिखोगे कैसे? ना 30.25 किसके बीच में आ रहा है, ना 30 और 31 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे 30 का रूट ओवर, 30.25 का रूट ओवर, इन दोनों के रूट ओवर के बीच में आएगा। जब 30.25 30 और 31 के बीच में आ रहा था, तो 30.25 का रूट ओवर 30 का रूट ओवर 31 का रूट ओवर के बीच में आएगा, ठीक है। तो अभी बताओ कैसे लिखोगे? 30 का रूट ओवर निकाल दो 5.277, 31 का रूट ओवर निकाल दो 5.568। अभी आप क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5.568 माइनस 5.477, डिफरेंस बताओ जल्दी फटाफट बताओ। 0.091 डिफरेंस है इतना। तो ये डिफरेंस कितना नंबर में है? 30 और 30 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना, तो ये 1 का वैल्यू है इतना, ठीक है। स्क्वायर रूट वैल्यू है 0.091, ठीक है। तो अभी आपको कितना चाहिए? 0.25 का वैल्यू चाहिए। तो क्या करोगे? 0.091 मल्टीप्लाई 0.25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ जाए? 0.02275। अभी आपका क्या निकालना था? ना 30.25 का स्क्वायर रूट, 30.25 का स्क्वायर रूट क्या है? 30 का स्क्वायर रूट प्लस 0.25 का स्क्वायर रूट। तो 30 का स्क्वायर रूट कितना है? 5.477 प्लस 0.02, इन दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा? 5.499 या 5.50 या 5.5। अभी बताओ ये क्वेश्चन सबको समझ में आया या नहीं? चलो इसका मैं टेस्ट लूंगी। यस मैम। आ गया ना? बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो पॉइंट के बाद वाली नंबर तो आपको दिक्कत देती है ना। 30 का तो स्क्वायर रूट आपको पता है, टेबल देख के बता दोगे 30 का स्क्वायर रूट 5.477। बट जो जीरो पॉइंट के बाद जो है क्या 25, इसका स्क्वायर रूट आपको पता है, इसका निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? 30 का स्क्वायर रूट 31 का स्क्वायर रूट ये दोनों टेबल देख के लिखने के बाद दोनों का डिफरेंस निकाल दो और जितना हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तीन स्टेप है इसमें से। फर्स्ट स्टेप क्या है? वो किसके बीच में आ रहा है? 30 और 31 के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों का रूट ओवर का डिफरेंस सेकेंड आ गया, ठीक है। डिफरेंस आ गया, वो डिफरेंस को क्या करोगे? ना पॉइंट के बाद में जो भी नंबर है, यहाँ पे 25 था पहले हमने जो किया था, वो क्या था आपका? पॉइंट के बाद 36 था। तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आ गया। देन एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम, अगर हम यही तक करते 5.499 तक, 5.499 तक। देखो जब बड़े क्लास में आ चुके हो तब राउंड ऑफ तो आपको पता ही है ना, राउंड ऑफ तो फोर्थ क्लास से सिक्स से क्या रहे हो, ठीक है। यस मैम, ना राउंड ऑफ कैसे करते हैं? जैसे 5 से ज्यादा है तो 1 ऐड कर देते हैं। राउंड ऑफ करके लिखना बेस्ट होती है, ठीक है। आप इतना लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं जाएगा, ठीक है। गलत नहीं है, ये भी है क्योंकि टेबल में देखो स्क्वायर रूट टेबल में तो 3 डिजिट तक देती है ना। टेबल में क्या है आपका वैल्यू? सब देखो सबकी वैल्यू 3 डिजिट तक देती है, तो आप इतना भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं जाएगा, ठीक है। 5.499 भी सही आंसर है। तो ये स्टेप आपको आपको समझ में आ गया है या नहीं? इसमें से कोई दिक्कत है? तो ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। बस बताना है, निकाल के नहीं बोलना, बस बताओगे कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। 77.44 है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, कौन बताएगा? राशि बस बताओ हम कैसे करेंगे। 77.44 है,
यस मैम हाँ बोलो कैसे निकालो मैम मैम 61 के बीच में हो जाएगा पहले तो आपको बताना है कि ये किसके बीच में आ रहा है 77 और 78 के बीच में आ रहा है ना यस मैम बस तो 77 का रूट ओवर निकाल लोगे कैसे निकालोगे बुक देख के 78 का रूट ओवर निकाल दोगे बुक देख के फिर ये दोनों का रूट ओवर का डिफरेंस निकाल लोगे रूट 78 माइनस रूट 77 का वैल्यू निकाल लोगे जितना होगा यहाँ पे वैल्यू उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 0.44 के साथ मल्टीप्लाई करो जितना भी वैल्यू आएगा उसको 0.44 के साथ मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा क्या करोगे उसको 77 का रूट ओवर प्लस आंसर क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना इजी चीज आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है 77.44 का रूट ओवर पूछा है 77 का रूट ओवर तो आपको पता ही है ना बुक देख के लिख दोगे आपको दिक्कत कहाँ पे है 0.44 का वैल्यू आपको पता नहीं है 0.44 का वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको स्टेप बता रही हूँ स्टेप को तो थोड़ा ध्यान दो 77 और 78 का रूट ओवर निकालो उसका डिफरेंस निकालो मतलब माइनस कर दो जितना होगा उसको 0.44 के साथ मल्टीप्लाई कर दो फिर से ऐड कर दो बस हो गया तीन स्टेप पहले डिफरेंस निकालो देन मल्टीप्लाई करो देन ऐड करो तीन चीज होती है यहाँ पे पहले डिफरेंस निकालते हैं देन क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं देन ऐड कर देते हैं यही तो तीन चीज हो रही है यस मैम कितना आसान मैं बताऊंगा और तो कुछ तरीका भी नहीं है आसान तरीका मामा आ गया पूछने से तो कुछ नहीं बताते ना मुझे कैसे पता चलेगा आपको आगे अब सभी के लिए काम है क्वेश्चन नंबर 3 आज सब अपना रॉक नोटबुक में जितना भी क्वेश्चन दे रखा है बुक में सब फाइंड आउट करोगे करके मुझे व्हाट्सएप करना ठीक है मैं चेक करूंगी ओके मैम हम कब तक कर दें व्हाट्सएप आज पूरा दिन आपको टाइम मिला ओके मैम ओके देखते हैं कितने बजे निकलते हैं ठीक है क्लास आज के लिए इतना ही है यही टॉपिक था मैम अटेंडेंस ओके अटेंडेंस ले लो टेक केयर बाय 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 मैम